आज का हमारा टॉपिक है अफगान फीमेल स्टूडेंट्स नॉट अलाउड टू सिट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। सो काफी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं जिसने इसे एक्सटेंसिवली कवर करा है। देखा जाए तो जब से तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान में, उन्होंने ऐसी काफी ज्यादा हार्ड पॉलिसीज बनाई है वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करा है कोई भी जॉब करने से, वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करा है कोई भी एजुकेशन पाने से। सो वुमेन मात्र प्राइमरी एजुकेशन पा सकती है, इसके अलावा देखा जाए जो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वो टर्शरी जो एजुकेशन है, यहां पर तालिबान ने फिर अपने पांव आगे लाए हैं और वुमेन को एजुकेशन प्राप्त करने से रोका गया है। जो एंट्रेंस एग्जाम होना है यूनिवर्सिटी का अगले महीने, तो तालिबान ने इससे पहले ही कुछ ऐसी लीगल बातें, लीगल नोटिस भेज दिए हैं यूनिवर्सिटी को कि कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम वुमेन को, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं देने देगी, अदरवाइज उन पे काफी हार्ड लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो देखा जाए काफी टाइम से वुमेन अर्ज कर रही है कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए अफगानिस्तान में। जब से तालिबान आई है उन्होंने वुमेन के सारे राइट्स लगभग छीन लिए हैं। सो एनजीओ की जो वुमेन वर्कर्स होती है उनको तक रिस्ट्रिक्ट करा है अपना वर्क करने से। अब देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज काफी प्रेशर बना रही है, वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है अगर तालिबान चाहती है कि हम उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें तो उनको वुमेन को राइट्स देने पड़ेंगे जो राइट्स पहले अफगानिस्तान में दिए जा रहे थे, तभी आपके साथ रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। तालिबान के अंडर अभी अफगानिस्तान काफी हार्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। सो वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो तो आपको सारे राइट्स देने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।